जप्ट में जो स्कल्पचर्स या मुजसमे बनते थे उनके बेसिकली दो मेन पर्पज़ हुआ करते थे एक आ, या तो रिलीजस था या पोलिटिकल रिलीजस इसलिए था क्योंकि लाइफ आफ्टर डेथ पर रखते थे और अपने uh, मकबरों के अंदर जो मरने वाला किंग uh, होता था उसके स्कल्पचर बनाना इनकी ज़रूरत थी ताकि uh, उसकी uh, अगर डेड बॉडी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो जो वापस आने वाली सोल है वो फिर उस मुजसमे के अंदर रिजाइड किया करती थी और जो अदर रीज़न है वो पॉलिटिकल था कि उसमें फ़ेरोज़ की जो पावर है उसको भी बताते थे और उसकी जो डिविनिटी थी उसको एक्सप्लेन करते थे और जो बड़े मुजस्मे थे ये फ़ेरो की पावर को एक्सप्रेस करते थे उसका जो लार्जर देन लाइफ स्टेटस था उनके सोसाइटी में वो उसको बहुत क्लियरली एक्सप्रेस uh, करते थे इनके uh, जो स्टैचूज थे उनमें पोर्ट्रेट रिजेम्बलेंस इनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी uh, थी क्योंकि वो जो मरने वाला uh, फैरो था उसकी शक्ल मिलाना बहुत ज़रूरी होता था और उसके अलावा जो इनका मटेरियल और जो स्टाइल है वो परमानेंस को रिफ्लेक्ट करता है वुड और क्ले और ब्रॉन्ज जो है वो नॉन रॉयल्स के लिए इस्तेमाल होता था क्योंकि ये वो मटेरियल है जो वक्त के साथ ख़राब हो जाते हैं और स्टोन जिसमें डायोराइट ग्रेनाइट आ, और आ, लाइम और सैंड शामिल है वो रॉयल्स के लिए इस्तेमाल होता था इनके स्कल्पचर्स बहुत आ, रियलिस्टिक uh, होने के बावजूद भी इसमें जोमेट्रिकल फॉर्म्स हमें नज़र आती हैं यानी कि उनका राइट एंड लेफ़्ट बहुत आइडेंटिकल नज़र आता है और उसमें रिजिटिटी नज़र आती है फॉर्मेलिटी नज़र आती है और ये सब जानबूझ के था ताकि बादशाह का जो लार्जर एंड लाइफ स्टेचर है या उसका रोब और दबदबा है वो लोगों के दिलों में ताज़ा हो जाए इस स्कल्पचर में मैनकोर एंड हिज़ वाइफ है और ये नियरली लाइफ साइज है और इसमें टू फिगर्स हैं जिनमें एक बादशाह है और दूसरा ख्याल किया जाता है कि वो उसकी वाइफ है फ्रंटल पोजेज़ हैं बहुत यूथफुल uh, बॉडीज़ हैं जो उनकी बेहतरीन uh, फॉर्म को एक्सप्रेस करती हैं और जो यूजुअली एक uh, लिबास होता था फ़ेरो का और उसकी बीवी का उन्होंने वही पहने हुए हैं और ये फ्यूनररी स्टैचूज़ हैं यानी कि उनके टोम्स में लगाने के लिए बनाए गए थे फ्यूनटरी स्टेचूज़ में ये होता था कि एक पाँव आगे होता था और एक पाँव पीछे होता था जो एक बहुत बड़ा एक इस बात की इस एग्जाम्पल होता था कि ये जो स्टैचू है ये उनके मकबरों के लिए बनाया गया है इनके जो फेसेस हैं वो पहचाने जाते हैं कि इंडिविजुअल हैं लेकिन एक्सप्रेशन लेस हैं ताकि किसी किस्म जो बादशाह का रोब है वो किसी किस्म के एक्सप्रेशन देने से कम हो जाता है इस वजह से ये एक्सप्रेशन लेस बनाया करते थे और ये औरिजनली इसको स्टोन पर बनाने के बाद उसको पेंट किया जाता था उसकी डिटेल्स दिखाने के लिए दूसरी जो एग्जांपल है विच इज़ फेमस फॉर शेख उलबिला और पर भी इसको कहा जाता है uh, ये एक बादशाह का स्कल्पचर नहीं है ये एक uh, आम बंदे का है बेशक नोबेलिटी में से है लेकिन एक नॉन रॉयल स्कल्पचर है और ये भी फ्यूनररी स्टैचू है क्योंकि इसमें भी पाऊँ एक आगे और एक पीछे है और ये एक uh, क्योंकि बादशाह का स्कल्पचर नहीं है इस वजह से ये स्टोन में भी नहीं बनाया गया ये वुड में बनाया गया है लाइफ साइज़ है और इसको कवर किया गया था बाद में प्लास्टर से और पेंट किया गया था बहुत ये रियलिस्टिक है और इसका राउंड फेस है और बिल्कुल जो एक आम इजिप्शियन शक्ल है वो यहाँ पे नज़र आती है और इसका वो जो प्लम स्टमक है उससे ये पता चलता है कि ये एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले किसी शख्स का स्कल्पचर है क्योंकि आम आदमी आ, के ऊपर इतना फैट नहीं हुआ करता था दिस हाफ़ कप्चर इज़ मेड ऑफ़ डायोराइड जो कि बहुत हार्ड स्टोन होता है और उसको काव करना बहुत मुश्किल होता है और ये उनकी uh, जो एक्सेलेंस है उनकी क्राफ्ट की उसको बताता है और बड़ा एथलेटिक बॉडी इसमें बनाई गई है जिसमें बादशाह अपनी बेहतरीन फ़िज़िकल अपेयरेंस में नज़र आता है इस सीटेड स्कल्पचर में जो थ्रोन है जिसपे बादशाह बैठा हुआ है उसके ऊपर फैल्कन बना हुआ है और वो इनका गार्ड हॉर्स को सिंबलाइज करता है जिसका जिसका ये भी मतलब है कि बाद उस हॉर्स जो गार्ड है उसकी प्रोटेक्शन बादशाह को हासिल है और उसकी मदद से ही वो हुकूमत कर रहा है और वो जो थ्रोन है उसके ऊपर बहुत डेकोरेटेड है वो और उस थ्रोन के ऊपर या तख्त के ऊपर लाइंस बने हुए हैं और उसके ऊपर लोटस और पेपरस जो कि इजिप्ट के, के यूनाइटेड होने का आ, सिंबल था उनको वो बनाया उनको बनाया गया है दिस स्कल्पचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकगनाइज स्कल्पचर्स ऑफ एंशंट इजिप्ट नफरटटी वॉज अ कोइन और ये उसका बस्ट है और ये पेंटर्ड uh, भी था इसके ऊपर लाइम स्टोन के ऊपर इसको पेंट किया गया था उसकी डिटेल्स बताने के लिए और इसमें फे फेशसप्रेशन बहुत काम है पर इस स्कल्पचर की जो बहुत इंपॉर्टेंट uh, चीज़ है वो ये है कि उसमें डिटेल्स जो आई बैग्स और रिंकल्स अंडर द चिन वो भी नज़र आते हैं यानी कि बहुत रियलिस्टिक बहुत डेलिकेट डिटेल्स नज़र आती हैं इस कपच को बनाने की वजह तो नामूम है लेकिन इसका अप, ये बहुत मशहूर है अपने, अपने हेड गियर जो क्वीन ने पहना हुआ है जिस जो बहुत बड़े साइज़ का है और उसके मुकाबले में उसकी गर्दन बहुत पतली नज़र आती है जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डेलिकेट नज़र आती है ग्रेट स्पेंगस या, या इसको उर्दू में अबुलहल कहा जाता है ये भी एक इनके एग्जाम्पल है स्कल्पचर की और ये लाइम का है और मोनोलेथ है यानी कि एक पत्थर से बड़े साइज़ के रॉक से इसको बनाया गया है उसको काविंग करके जिसकी वजह से इसकी बॉडी ज़रा थोड़ी सी अलॉन्गेट है क्योंकि वो पत्थर की शक्ल उस तरह की थी इसमें जो बॉडी है वो लाइन की है और जो हेड है वो फेरो का है क्योंकि ये खैफर की पैरामिड के साथ बनाया गया है तो प्रॉबली खैफर की ही शक्ल बनाई गई थी इसमें और इसकी हाइट जो है वो 65 फीट हाई है